19 जनवरी 2024 की सुबह कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को सूचना मिलती है कि मोरी गेट स्थित डीडीए पार्क में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फिर पुलिस ने देखा कि पार्क के सुनसान जगह पर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ था। मृतक के आंख के ऊपर कटे का निशान था और मुंह सहित पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। क्राइम और एफएसएल की टीम ने निरीक्षण के बाद शव को सब्जी मंडी सौगृह भेज दिया। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या था। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त मनोज कुमार मीणा के अनुसार अपराध की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन संतोष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है। वहीं इस टीम के साथ क्राइम ब्रांच के एसआई आदित्य को जोड़ दिया जाता है। मृतक की पहचान करने के लिए पुलिस टीम ने मोरी गेट से खोया सब्जी मंडी के बीच लगभग सभी सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के साथ इलाके के 100 से अधिक लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस टीम की जांच के बाद मृतक की पहचान प्रमोद कुमार शुक्ल उर्फ गुड्डो के रूप में की जाती है। प्रमोद मूल रूप से यूपी के जालौन जिले के रुद्रपुरा गांव का रहने वाला है। जांच में यह भी पता चला कि प्रमोद खोआ मंडी के राकेश तोमर उर्फ पहलवान की दुकान पर काम करता था और मोरी गेट स्थित रैन बसेरा में रहता था। प्रमोद के मोबाइल की कॉल डिटेल की स्टडी के दौरान पुलिस को एक मोबाइल नंबर पर शक हुआ। यह मोबाइल नंबर राजेश नाम के शख्स का था। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि राजेश मूल रूप से बिहार के मधेपुरा जिला के अंतर्गत आने वाले घुसाई चौसा का रहने वाला है। मृतक प्रमोद को आखिरी बार राजेश के साथ देखा गया था। सर्विलांस के जरिए पुलिस को पता चलता है कि राजेश पटना में छिपा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम पटना रवाना कर दी गई। लंबी जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम राजेश को पटना से हिरासत में लेती है और दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। पूछताछ के दौरान राजेश ने पुलिस को बताया कि वह मृतक प्रमोद का दोस्त है। दोनों खोया मंडी के पास स्थित रैन बसेरा में एक साथ रहते थे। उसने बताया कि मृतक प्रमोद उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव बनाता था। वह प्रमोद की इन हरकतों से परेशान हो चुका था, जिसे तंग आकर उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है, लेकिन आप भी सावधान रहिए और सोच समझ कर दोस्ती कीजिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी, इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।